मकसद क्या है कि भैया ये जब एग्जीक्यूट हो तो ये है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब है कि ये वेट नहीं करेगा, अब ये जब तक ये एग्जीक्यूशन होगा उससे पहले ये रिटर्न कर देगा यहाँ से, तो हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, रुक करके इसका डेटा आने का वेट करना पड़ेगा, रुक के इसका डेटा आने का वेट करना पड़ेगा। फिर उसमें से हमको आईडी चाहिए या कुछ चाहिए डेटा, या उस पर देखना है कि भाई सक्सेसफुल हुआ है फेल हो गया है, वो चीज करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप एक एक्सटर्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप डेटाबेस में राइट कर रहे हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जब भी आप किसी फंक्शन से बाहर की चीजें यूज करते हैं वह इम्प्योरिटी आती है फंक्शन में, और अब आपका कंट्रोल खत्म। मान लीजिए आपने यहाँ से एग्जीक्यूट किया और उसी वक्त वो डेटाबेस का सर्वर डाउन हो गया, फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो किसी वजह से अगर ये फेल होगा तो उसे भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, तो वो रन टाइम एक्सेप्शन है, उसके लिए हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा उस एक्सेप्शन को यहाँ हैंडल करने के लिए। ठीक, और क्या करना है, और हमें क्लियर करता हूँ, और हमें ये यूजर कंट्रोलर पे जहां से हम ये इंसर्ट कॉल कर रहे हैं यहाँ भी ये वेट नहीं करेगा, इंसर्ट कॉल करेगा, इंसर्शन होता रहेगा, ये अपना रिस्पॉन्स भेज के आगे बढ़ जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पे भी इसको वेट कराना पड़ेगा कि भाई जब ये इंसर्ट हो जाए रिस्पॉन्स भेज दे तुम्हें, तब उसके बाद तुम आगे रिस्पॉन्स भेजो, जब ये अपनी वैल्यू रिटर्न कर दे उस वैल्यू के बेस पर रिस्पॉन्स भेजना है, तो यहाँ पर भी हमें वेट करवाना है। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं वो है असिंक अवेट का। जब हम असिंक अवेट यूज करते हैं तो एक फंक्शन को हम असिंक बनाते हैं, एक फंक्शन को हम असिंक बनाते हैं। ठीक, और अब अगर हमने किसी के आगे अवेट लिख दिया तो अब ये तब तक वेट करेगा जब तक कि ये इंसर्शन कंप्लीट होकर के इसकी इस कंट्रोल वहां जाके और वापस नहीं आता, जब तक ये यूजर का इंसर्ट फंक्शन वापस नहीं भेजेगा रिटर्न, तब तक ये वेट करेगा, अब आगे रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ रख लें। ठीक, अब आप इंसर्टेड आईडी भेजेंगे, नाम भेजेंगे, क्या भेजेंगे वो रन टाइम पे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा और हमें क्या करना है, मॉडल पे चलना है। मॉडल पे हमें क्या करना है कि जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, तो अब इस टाइम पे हमें इसको भी वेट करना है। इसके लिए तो वेट करना है, तो यहां पर भी हम असिंक लगा दें, असिंक लगा दें, यहां आए, ये रिजल्ट आ रहा है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, इसके लिए भी वेट करना है तो इसके आगे भी अवेट लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर ये असिंक अवेट नहीं क्लियर है तो इन फ्यूचर अगर कभी जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप कराऊंगा या आप एमडीएन से या कहीं से भी पढ़ भी सकते हैं इसको। ठीक, तो असिंक और अवेट इतना समझिए, फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा अगर अवेट यूज करना है। अवेट ये करेगा आपके लिए कि अब तब तक इस लाइन से आगे नहीं बढ़ने देगा आपके फ्लो को जब तक कि ये रिटर्न ना कर दे, आइदर एरर और सक्सेस और फेलियर, बट कुछ रिटर्न कर दे। अब जब हमने यहाँ पे ये लगा ही रखा है, इतने तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो रिजल्ट वापस आ रहा है इसको वापस भेजना है, इस रिजल्ट को, ठीक, तो या रिजल्ट के अंदर से कुछ वापस भेजना है, तो हम थोड़ा इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है, हमें उसमें से क्या भेजना है। ठीक, तो जो भी आएगा उसके बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे। साथ में और क्या बात हुई थी हमारे बीच में, इसको ट्राई और कैच ब्लॉक में रखना है, इस चीज को ट्राई और कैच में लगाना है ताकि ये हमारे लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सके। तो ये वाला पार्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा है ये तो सिंपल सी एक स्ट्रिंग है, नहीं भी रखेंगे ट्राई में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे तो भी ठीक है, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये तो सिर्फ स्ट्रिंग थी। ये कंसोल लॉग यहीं छोड़ दे रहा हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, ये रही स्ट्रिंग हमारी। और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम कंसोल लॉग करके देखेंगे, अगर एरर आती है तो क्या करेंगे, तो हमने कहा भैया अगर एरर आ जाती है तो हमारे लिए आप यहाँ पे कंसोल लॉग एरर को ही लॉक कर देना, ठीक, और यहीं से रिटर्न कर देना फॉल्स। देखते हैं क्या करना है, सब बात की चीजें हैं, अभी देखते चलते हैं। ठीक, चलाते हैं इसको, ये हटा दे रहा हूँ, जिन लाइन का कोई मसरफ नहीं है। ठीक, रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लॉग हो जाएगा, पीछे अभी हमने कुछ बदला नहीं है, मतलब कंट्रोलर में हमने अभी कोई चेंज नहीं करा, बस ये वेट करेगा उसके रिटर्न आने तक का। ठीक,
तो ये रिस्पॉन्स आ ही रहा है, इसको यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करा ले रहा हूँ। ट्रू या फॉल्स कुछ तो आएगा, या तो ट्रू आ जाएगा या तो फॉल्स आ जाएगा, मतलब यहां पहुंचा तो ट्रू आएगा और एरर आ गई तो फॉल्स आएगा। सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आई, मतलब कंपाइल टाइम एरर नहीं आई है, चल रहे हैं हिट करने के लिए। यहां गए पोस्टमैन पे, हाँ यहां रजिस्टर पे हिट कर रहा हूं मैं, गया। ये तो रिस्पॉन्स जो हमने भेजा था वो वापस आया। अब चलते हैं देखते हैं क्या क्या कंसोल लॉग हुआ है। तो यहाँ हमने चलाया था ये रिजल्ट सेट हेडर, ये पूरा इतना ये आया है, फील्ड काउंट, इंसर्टेड रोज, एक रो इंसर्ट हुई है। जब आप बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, आप मल्टीपल रिकॉर्ड भेज रहे हैं, 10 रिकॉर्ड भेजा था, तो बिल्कुल आप इनको काम कर लेंगे कि अफेक्टेड रोज 10 थी, 3 थी। जिस लेवल पे आप काम करते हैं उस लेवल तक इसको आप यूज करते हैं, यूजलेस नहीं है। हमें क्या मतलब है, हमें जिस काम की चीज दिख रही है वो हमारी ये इंसर्टेड आईडी दिख रही है। क्या दिख रही है? इंसर्टेड आईडी दिख रही है, यही 5 है। क्योंकि अगर हम यहां चले और यहां चल करके इसको रिलोड करके देखें तो यह 5वें नंबर पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हमें ना अभी सिर्फ यही आईडी चाहिए, ये हम रिटर्न कर देंगे, इसी आईडी पे आगे सारा काम करेंगे। ठीक, रिस्पॉन्स क्या आया? ट्रू, फॉल्स नहीं आया, ट्रू आया, मतलब कि एरर नहीं आई है। अब क्या है, इसको कॉपी करके देख लेते हैं कैसा आर्किटेक्चर है इसका। ये कॉपी कर ले रहा हूं यहां से, यही पेस्ट करके देख ले रहा हूं, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये एक एरे दिख रहा है मुझे, एक एरे दिख रहा है। ठीक, उसके अंदर जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर से हमको ये इंसर्टेड आईडी निकालना है। तो हम जरा इसका रिजल्ट का 0 प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर एरे है तो रिजल्ट की जगह इस बार रिजल्ट का 0 प्रिंट कर लेता हूं मैं। देखते चलते हैं कैसे हम पहुंचेंगे उस आईडी तक। वापस से चल रहे हैं, हिट करते हैं, हिट हो गया, आते हैं। अब क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये तो नाम है उस ऑब्जेक्ट का, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, रिजल्ट के 0 पर क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके अंदर ये इंसर्ट आईडी फील्ड है। मैं ये कॉपी कर रहा हूं और अब की बात रिजल्ट 0 की डॉट इंसर्ट आईडी प्रिंट कर लेता हूं। भाई ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट आईडी तो मेरे हिसाब से इसी से मुझे मिल जाना चाहिए। ये वापस से ब्रेक कर देता हूं, फिर से चला लेता हूं, फिर से हिट करके देख लेते हैं, ये मिल गया 7। और अब वापस जा करके वेरीफाई कर लेते हैं कि यहां पे 7 ही है कि नहीं इस बार। यस, 7 पे अदर इंसर्ट हुआ और ये इंसर्टेड आईडी हमको यहां मिल गई। ठीक, एक काम करते हैं, यहां पे आईडी इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक, यहां कुछ नहीं करता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ ये जो रिजल्ट की आईडी आ रही है मेरे पास, ये जो रिजल्ट की आईडी आ रही है मेरे पास, 0 आने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये आईडी में रख देता हूँ। इस आईडी में जो ये रिजल्ट की आईडी आ रही है उसको यहाँ स्टोर कर देता हूँ। अंदर नहीं डिक्लेयर करिएगा, अगर आप लेट यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे तो लेट स्कोप होता है लेट का, तो लेट इसके अंदर ही काम करेगा, बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने बाहर ट्राई के बाहर डिक्लेयर किया है और यहाँ से आईडी को रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो दो बातें हैं, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो आईडी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो आखिरी लाइन है, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो यहीं से थ्रो हो जाएगी, तो आईडी मेरी 0 ही रह जाएगी। और अगर आईडी 0 से बड़ा कोई भी नंबर है तो यानी कि हमारा काम हो गया है। ठीक, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तब हम चलते हैं यूजर के कंट्रोलर पे, रजिस्टर। ठीक, रेस्पॉन्स, अब रेस्पॉन्स का नाम मैं क्या रख दूं, इंसर्टेड आईडी रख देता हूं, क्योंकि हमें तो पता ही है कि हम सिर्फ आईडी ही वापस कर रहे हैं। पर अभी इसको प्रिंट कर देते हैं, अभी इसको प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर्वर रीस्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, चलते हैं पोस्टमैन पे, यहां से हिट करते हैं, चलते हैं देखते हैं 8। ठीक, यहीं पे प्रिंट किया है, इंसर्टेड आईडी प्रिंट हो गई है। तो क्या करने वाला हूं कि मैं यहाँ पे जा करके ये अपाचे MySQL ये सब बंद कर रहा हूँ। ठीक, चीज हमारी सही चल रही थी, और अब यहां से मैं इसको वापस से हिट करने जा रहा हूँ।
सेंड कर दिया ये डेटा तो हमने भेज रखा था, आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये एक्सेप्शन जो आपने कंसोल लॉग करी थी, आपने एक्सेप्शन कंसोल लॉग करा था, वो एक्सेप्शन आ गई क्योंकि सर्वर नहीं मिला इसको, ठीक। और उसके अलावा आईडी कितनी आ गई, जीरो। तो इस तरीके से हमने इतना वेरीफाई कर लिया है कि अगर सर्वर नहीं मिलता है या कोई दिक्कत आती है तो हमको यहाँ पे जीरो मिलेगा, पर अगर पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो मतलब कि डेटा इंसर्ट हो गया है, उसकी आईडी मिलेगी। ये चीज हमने करके देख लिया है सामने, हमने इसीलिए सर्वर बंद कर दिया था। अब हम वापस से इंसर्ट करके देख लेते हैं, सर्वर हम रन कर चुके हैं, वापस से इंसर्ट कर लेते हैं, लॉग देख लेते हैं, वापस अब 9 आ गया, वो 0 तक तो जो था 9 आ गया, यानी सर्वर जब चलने लगा तो वापस इसने काम कर लिया। ये सारी चीजें जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका सर्वर अगर बंद है तो फौरन एक्सेप्शन नहीं थ्रो, मतलब फौरन आप यूजर को नहीं बताते एरर है, आप री अटेम्प्ट करते हैं उन चीजों के लिए, उनका कोड लिखने का पैटर्न अलग होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो ये इंसर्टेड आईडी आ गई है, अब स्टेटस भेज लेते हैं यूजर को। तो स्टेटस में हम जेसन ही भेजेंगे, हमने कहा स्टेटस सक्सेस या एरर, अब वो कैसे डिसाइड करो, मैंने कहा ठीक है इंसर्टेड आईडी है ये मेरे पास, मैंने कहा इफ इंसर्टेड आईडी जीरो पे फाल्स हो जाएगा और कुछ भी होगा तो ट्रू हो जाएगा, या लगा देते हैं ग्रेटर देन जीरो का चेक, नॉर्मली भी लिख देंगे तो भी चलेगा, पहला केस ये रहा। दूसरा केस एल्स का केस रहा हमारा, ठीक। तो अब क्या हुआ, अगर जीरो से बड़ा नंबर है तो सक्सेस है, ठीक। और क्या भेज सकते हैं, डेटा पे भेज देते हैं, डेटा में मतलब ये तो अब जैसे आप चाहें वैसे भेज सकते हैं, हम ऐसे भेज देते हैं, एक ऑब्जेक्ट भेज देते हैं कि आईडी जो है वो इंसर्टेड आईडी, ठीक। हमने एक जेसन का ऑब्जेक्ट भेज दिया और फेल हो जाएगा तो यहाँ डेटा पे तो कुछ नहीं जाएगा, नल भेज सकते हैं या यहाँ मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन फेल्ड, मैसेज भेज दिया, और यहाँ क्या भेज देंगे, एरर भेज देंगे, ठीक। ये ऑब्जेक्ट नहीं बंद किया था उसी लिए एरर आ रही थी, बंद कर दिया, ठीक। या इंसर्टेड आईडी अगर इंसर्ट हो जाता है तो ये रिस्पांस जाएगा, नहीं इंसर्ट होता है तो ये जाएगा, इफ या एल्स में से कोई एक एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर करके चेक कर लेते दोनों चीज, फिर हम अगले फंक्शन पे बढ़ेंगे। सेंड कर दिया, ठीक, सक्सेस का रिस्पॉन्स आ गया, डेटा के अंदर हमको आईडी 10 मिल गई। अब जो यूजर इंटरफेस पे काम कर रहा होगा वो इस आईडी को उठाएगा, अपने लोकल स्टोरेज में रखेगा, जो कुछ करना है वो उसका काम है। हम एपीआई लिख रहे थे, हमारा काम था कि जैसा कहा गया वैसे फॉर्मेट में डेटा भेज दिया और बता दिया कि भैया रजिस्ट्रेशन हो गया है, डेटा भेज रहे साथ में आप मैसेज भी भेज सकते हैं, ये सब आपकी चॉइस है। चल के देख लेते हैं, इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड नंबर 10, यस इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं, मैं वापस से एक बार बंद कर रहा हूं इसको, MySQL को वापस से सेंड कर रहा हूं, एरर आ गया यूजर रजिस्ट्रेशन फेल्ड, क्यों, क्योंकि इस बार सर्वर मिला नहीं उसको तो इंसर्ट नहीं कर पाया रिकॉर्ड। इतने तक ठीक है, हमें ये चीजें समझ में आ गई, हमने इंसर्शन करके देख लिया, हम वापस इंसर्शन करके देख ले रहे हैं, यस सक्सेसफुल चल रहा है। अगला हम अजय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर दे रहे हैं, पासवर्ड चेंज कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड नंबर 12 पे। चल के देख लेते हैं अभी, क्योंकि हमने गेट के लिए कुछ लिखा नहीं है, यस अजहर का भी है, अजय का भी रिकॉर्ड सही जा रहे हैं, पासवर्ड भी अलग आ गया, एकदम सही है, इंसर्शन की फंक्शनैलिटी हमारी चल चुकी है। ये एक्सेप्शन आया होगा अभी जब हमने सर्वर बंद किया था, लेकिन कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने ट्राई कैच लगा रखा है। दिख क्यों रहा है, क्योंकि आपने कैच में प्रिंट कर रखा है, नॉर्मली हम लॉगर यूज करते हैं और लॉग करते हैं, ये रिकॉर्ड कहीं कंसोल पे प्रिंट करके नहीं छोड़ते हैं, ठीक। इतने तक बात सही है, अब हमारा आता है अगला काम है गेट करना, ठीक। तो गेट कैसे करेंगे, चलते हैं वापस मॉडल पे, यहाँ पे हमने फंक्शन लिख रखा है इंसर्ट का, ठीक। अब ऐसे ही हम एक अपना गेट का फंक्शन लिख लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स
डॉट गेट इज इक्वल टू असिंक। यहाँ पर अब आप सीधे आईडी भेज दीजिए, आप यूजर का डेटा भेज दीजिए, मतलब हम ईमेल से भी गेट कर रहे हैं, हम नाम से भी गेट कर रहे हैं, हम सिटी से भी गेट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन की डिजाइन आपके ऊपर है, ठीक। अभी हम जनरली आईडी भेज रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आईडी लिख रहा हूँ, या अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे यूजर डेटा लिख सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे इस पे काम करना है, ठीक। नेक्स्ट क्या चीज आएगी हमारे पास, यहाँ एरो नहीं लगाया हुआ था, ये एरो लगेगा, एरो फंक्शन है, ठीक। अगली चीज, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राई कैच का ब्लॉक होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही मैं अपनी क्वेरी बनाऊंगा, लेट क्वेरी इज इक्वल टू, ठीक, सेलेक्ट क्वेरी हम यूज करके आए हैं, यहाँ हम देख सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम यूजर, ये रहा हमारा कंडीशन वाली क्वेरी, ये कॉपी कर रहा हूं यहां से और यहां पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक। अब क्या करना है, हमको पता है कि यहां पे क्या भेजना है, हमको प्लेस होल्डर भेजना है, यहां पे क्या भेजना है, वैल्यू की जगह पे प्लेस होल्डर, ईमेल पे चेक नहीं लगाने वाला हूं, आईडी पे लगा रहा हूं, तो ये इतनी चीज मुझे मालूम थी, ठीक। ऊपर भी हम प्लेस होल्डर लगा करके आए थे, तो जहां पे वैल्यू पुट करनी है वहां प्लेस होल्डर भेजिए, क्वेरी चलाते वक्त हम वहां पे वैल्यू भेज देंगे। अब क्या करना था, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, अब हमें पता है कि अवेट वेट करेगा, डीबी डॉट एग्जीक्यूट, ये हमारे पास क्वेरी है मेरी, और साथ में हमको क्या भेजना है, प्लेस होल्डर में यूजर डेटा के अंदर से हम आईडी भेज देंगे, ठीक। अब जो ये रिजल्ट आएगा, पहले मैं इसको कंसोल लॉग करा करके देख लूं कि हमें इसमें से क्या वापस भेजना है, तो मैं यहीं पे कंसोल लॉग कराने जा रहा हूं इस रिजल्ट, ठीक, ताकि मैं पूरा रिजल्ट नहीं भेजूंगा, देख लेते हैं क्या करना है। उसके अलावा नीचे हमको पता है कि कैश ब्लॉक में हमने कंसोल लॉग में एरर कर रखा है। नॉर्मली आप फाइल सिस्टम में लॉग करते हैं, सेंसिटिव फंक्शन है, तो लॉग करने के साथ ही उस टाइम पे ईमेल भेजते हैं, जो भी करेस्पॉन्डिंग डेवलपर है, टीम है, उनको हम ईमेल भेजते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे यहाँ पर एरर आया है। एरर में स्टेटस कोड होता है, जिस कोड के बेस पे टीम ये जान पाती है कि एरर आ कहाँ पे रहा है, ठीक। अब ये रिजल्ट यहाँ ना डिक्लेयर करके मैं इसको बाहर ही डिक्लेयर कर ले रहा हूं, या यहाँ बाहर मैं लिख लेता हूं, लेट रिटर्न डेटा, क्या वापस भेजना है, ठीक। अब ये रिटर्न डेटा में जो भी चीज यहां से रिजल्ट से आएगी उसको उठा करके हम यहां से रिटर्न कर देंगे, ताकि यही जाएगा, ये रिटर्न डेटा जाएगा कहां पहुंचेगा, कंट्रोलर पे। यहां अब कंट्रोलर से मैं क्या करने वाला हूं, पहली बात तो इस फंक्शन को मुझे असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक, ताकि हम यहां पे कॉल कर पाए, ठीक। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट ना कॉपी कर रहा हूं, जो हमने यहां लिखा है सेम डिक्टो, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक। इंसर्टेड आईडी नहीं होगी, इंसर्टेड आईडी की जगह क्या होगा हमारा, कुछ डेटा होगा इस बार यूजर का, जो भी डेटा आएगा, तो डेटा के अंदर इस बार आईडी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने कहा मैं डायरेक्ट डेटा पे डेटा भेजूंगा, ये सारी चीजें आपको ही डिसाइड करनी है, ठीक। जो डेटा आएगा सिर्फ चेक कर लें कि डेटा आ तो रहा है, फाल्स तो नहीं आ रहा, अगर फाल्स रिटर्न कर रहे होंगे हम तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा, अगर फाल्स के अलावा कुछ भी आ रहा होगा तो वो डेटा हमारा भेज देगा, ठीक। या मान लेते हैं, लिख देते हैं यूजर नॉट फाउंड, ठीक, मल्टीपल एरर्स, मल्टीपल चेक, सब कुछ लगा सकते हैं। अभी हम एकदम सिंपल सा सिस्टम बना करके टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं चीजों को कैसे चलेंगे, ठीक। तो ये इतनी बात तो हमें समझ में आई कि हमने असिंक लगा दिया, यहाँ अवेट लगा दिया, यूजर मॉडल का गेट फंक्शन कॉल कर लिया, और जो यूजर की बॉडी आ रही है उसी के अंदर आईडी है, वो बॉडी हम आगे भेज रहे हैं गेट फंक्शन में, ये यहां से पहुंचेगी गेट फंक्शन में, यहाँ ये यूजर डेटा में बॉडी के अंदर की सारी चीजें हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू एक प्लेस होल्डर है, जब एग्जीक्यूट करूंगा इस क्वेरी को उस प्लेस होल्डर में जो पहली वैल्यू है वो पहुंच जाएगी पहले प्लेस होल्डर पे, वहां पे यूजर डेटा यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी उसकी आईडी भेज दे रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा अभी कंसोल लॉक करा रहा हूं, तो रिटर्न तो मैं नल ही कर रहा हूं, ठीक। देख लेते हैं चला करके कि क्या कंसोल होता है हमारे पास,
अब नल रिटर्न कर रहा हूं तो इसको ये फाल्स काउंट कर सकता है। ठीक, गेट पे चलते हैं। ये आईडी 12y हमारे पास आ जाएगी, इसी आईडी को लेकर के आगे फेच करके देख लेते हैं। यहाँ आईडी में 12 ही भेज दे रहा हूं और ये सेंड कर दिया। यहाँ एरर आ गई, यूजर नॉट फाउंड। क्यों आई है? क्योंकि हमने नल रिटर्न किया था वहां से। ठीक, लेकिन हमें यहाँ नीचे कुछ मिला है। ये जो मिला है इसको कॉपी कर रहा हूं यहाँ से, ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। नोटपैड पे चलते हैं, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, नीचे ये काफी कुछ मिला हुआ है, इससे हमसे कोई मतलब नीचे वाले से है नहीं। कॉलम डेफिनेशन वगैरह से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, हटा दिया मैंने। अब क्या बचा? तो ये इस एरे के अंदर फिर से एक इसने एरे बना दिया है। ठीक, और फिर उसके अंदर जो जीरो पर है, मतलब जब इस एरे में पहुंचेंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट मिलेगा यही हमारे काम का है। इसमें मेरी आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिमार्क सब कुछ है। तो चलते हैं, यूजर इस बार रिजल्ट का जीरो प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या देता है वापस से हमें। ठीक, सर्वर रिस्टार्ट कर रहा हूं, वापस से हिट करूंगा इसको मैं सेम आईडी के लिए। ठीक, चलते हैं, फिर से इसने एक एरे प्रिंट किया है, वापस से जीरो लगा देता हूं क्योंकि तो मल्टीपल डेटा के लिए काम कर रहा है। वापस से चला करके देख लेते हैं। ठीक, अब ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, मैं ये नाम प्रिंट करके चेक कर लेता हूं कि सही में ऑब्जेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमने कहा ये नाम प्रिंट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक, जो ऑब्जेक्ट आ रहा सही में ठीक है नहीं ठीक है, सेंड किया, ठीक है, अजय आ रहा है। यानी कि ये जो दे रहा है हमें, ये हमारे काम की चीज है। इसको मैं उठा लेता हूँ रिटर्न डेटा में। ठीक, इससे हमें ये रिजल्ट का डेटा यहाँ रिटर्न डेटा में आ जाएगा, ये रिटर्न डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। किसके पास जाएगा? यूजर के कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर के पास ये डेटा में आएगा और ये भेज देगा, देखते ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सक्सेस आ गया और ये नीचे डेटा में आपको वही यूजर का डेटा दिख रहा है। ठीक, यानी कि इतना काम तो हो गया है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट की फंक्शनैलिटी। यहाँ पे भी आईडी हमारी 12 है, पासवर्ड हम 1234 करना चाहते हैं। किसका? इसका पासवर्ड एबीसीडी, इसको 1234 करना चाहते हैं। चलते हैं अपडेट वाली पे। ये रहा हमारा अपडेट वाला। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, चलें अपडेट की क्वेरी हम देख करके आए थे कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कहाँ पे लिखनी है? मॉडल पे लिखनी है, मॉडल पे लिखना है। जैसे ये गेट का फंक्शन है, इंसर्ट का फंक्शन है, ऐसे ही मैं एक फंक्शन बना लू इस बार किसका, अपडेट का। मैंने गेट वाला फंक्शन कॉपी किया है। ठीक, अपडेट का फंक्शन बनाऊंगा, इसमें भी यूजर डेटा आएगा। ठीक, अब रिटर्न डेटा में आपको क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, मुझे कुछ भी नहीं भेजना है। अपडेट कर दिया तो सिर्फ इतना बता देना है कि भाई अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं दो चीजें करूंगा, यहां से मैं लिख दूंगा रिटर्न ट्रू। अगर ट्रू रिटर्न करता है मतलब लास्ट लाइन तक आ गया, मतलब अपडेट हो गया है। और यहां मैं लिखूंगा रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अब अपडेट कर रहा है तो मुझे उसको कोई डेटा वापस नहीं भेजना है। मतलब अलग अलग तरीके से क्वेरीज लिखने के, क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के, डेटा भेजने के हजारों तरीके हैं। हम सबसे सिंपल और एक नॉर्मल तरीका देख रहे हैं। यहाँ पे हमें वो अपडेट की क्वेरी चलाना है, वेयर की कंडीशन तो यही रहेगी हमारे लिए। हमें सिर्फ क्या बदलना है, ये अपडेट यूजर सेट पासवर्ड वेयर की कंडीशन हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। वहां ईमेल था, हम आईडी पे काम कर रहे हैं। पासवर्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी तो हमको प्लेस होल्डर डालना है ना, पासवर्ड तो डालेंगे नहीं, तो एक प्लेस होल्डर यहाँ हो जाएगा, एक प्लेस होल्डर यहाँ हो जाएगा। ये बन गई हमारी क्वेरी। जो भी रिजल्ट आता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम उसका वेट कर लेंगे। अब ये क्वेरी चलेगी और पहली चीज जो हमें भेजना है, पहला प्लेस होल्डर किसका है? पासवर्ड का है। पहली चीज हम पासवर्ड भेजेंगे, पहली चीज हम
पासवर्ड भेजेंगे और दूसरी चीज हम आईडी भेजेंगे। क्लियर? तो अब हम और चल गया, एग्जीक्यूट हो गई तो हम रिजल्ट भेज देंगे, कोई भी एक्सेप्शन आती है तो फॉल्स मिल जाएगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहां से कंट्रोलर के पास रिटर्न होगा। यहाँ कंट्रोलर पे हमें क्या करना है, तो मैं ये ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पेस्ट कर रहा हूं। उसके अलावा अवेट यूज किया हुआ है अंदर, तो फंक्शन को असिंक बनाना है, भूल जाएंगे तो एरर आएगी। फंक्शन कौन सा कॉल करना है, अपडेट, जो बॉडी में आ रहा है वो भेज देना है। जैसे ही डेटा आता है, तो अब की बार ये डेटा नहीं है दरअसल, अब की बार ये क्या है, सिर्फ स्टेटस है, स्टेटस है। यहाँ डेटा नहीं जाएगा, यहाँ पर भी मैसेज जाएगा, यहाँ पर भी मैसेज जाएगा। क्या मैसेज देना है हमको, यूजर डेटा अपडेटेड, या फिर यूजर नॉट अपडेटेड, या अगर आपने चेंज पासवर्ड के लिए बना रखा है और पासवर्ड अपडेट कर रहे हैं तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली या पासवर्ड नॉट चेंज, जो भी मैसेज देना है आप वो मैसेज यहाँ लिख के दे सकते हैं। ठीक, अब हमने ये बना लिया, चला के देख लेते, पहले तो ये पता चल जाएगा कि कंपाइल टाइम एरर है कि नहीं, नहीं है, गए हम यहाँ पे अपडेट करने जा रहे हैं, देख लेते हैं एक बार यहां से भी, क्यों हम यहीं से देख सकते हैं, गेट वाली फंक्शनलिटी हमने बना ही रखा है, भेज के देख लेते हैं कि इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड एबीसीडी है, यहाँ 1234 भेज रहा हूं, सेंड किया, यूजर डेटा अपडेटेड। यहां चलते हैं, वापस से फेच करते हैं पासवर्ड, इस बार पासवर्ड कितना आ गया, 1234, यानी पासवर्ड चेंज हो गया है। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हमें जो लिखनी है वो डिलीट की लिखनी है। ठीक, चलिए देखते हैं डिलीट की फंक्शनैलिटी के लिए क्या करना है। मॉडल पे चलते हैं, ये हमने अपडेट का बना ही रखा है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ डिलीट का बनाने के लिए। अपडेट की जगह क्या लिख दूंगा, डिलीट लिख दूंगा, जो यूजर का डेटा आ रहा है उसी से काम हो जाएगा। क्वेरी हम डिलीट की बना चुके थे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर की कंडीशन, यहाँ ईमेल की है, हम आईडी की कंडीशन लगाने वाले हैं, तो हमने कहा डिलीट, यहां तक चेंज कर दिया, वेयर आईडी में प्लेस होल्डर पास करेंगे। जब ये क्वेरी पास करूंगा, जब ये क्वेरी पास करूंगा, तो इस बार यहाँ पासवर्ड नहीं होगा, सिर्फ आईडी होगी, यूजर डेटा का आईडी। अगर सक्सेसफुली चल गई तो मुझे कोई रिजल्ट से मतलब है नहीं, मुझे यहाँ रिजल्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है, इससे आने वाले रिजल्ट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर चल गई, अपडेट से भी हटा दिया मैंने, तो मैं ट्रू भेजूंगा, एरर आ गया तो मैं फॉल्स भेजूंगा। कंट्रोलर पे जाएंगे, अब डिलीट वाले में चलते हैं, ये अपडेट वाला मैं कोड कॉपी कर रहा हूं ताकि मुझे सेम लाइन बार बार ना लिखना पड़े। पेस्ट किया, स्टेटस आ जाएगा, डिलीट को कॉल कर रहा हूं, इसी स्टेटस के बेस पे डिसाइड कर लेंगे यूजर डिलीट हो गया या फेल हो गया, नहीं डिलीट हुआ, दो काम हो गया, तो डिलीट होगा या तो नहीं होगा। चला करके इस फंक्शन को असिंक नहीं बनाया, इसको असिंक बना लेते हैं। ठीक, वापस से रन कर लेते हैं, चलते हैं, अभी ये 12 पे हमें रिटर्न कर रहा है डेटा, है ना, गेट कर रहे हैं तो 12 पे डेटा दे रहा है। अब मैं डिलीट कॉल करने जा रहा हूँ, और डिलीट को मैं आईडी 12 के लिए ही कॉल करूंगा। मैंने भेजा, यूजर डिलीटेड लिख दिया, अगर लिख दिया है तो क्या ये 12 पे देगा, चला करके देखते हैं, यूजर नॉट फाउंड, लेकिन अभी और यूजर्स हैं हमारे पास, ये तो डिलीट हो गया। 11 पे क्या है, 11 पे यूजर है हमारे पास, मैं डिलीटेड को अगर 11 पे कॉल कर दूंगा तो यूजर डिलीटेड, अगर डिलीट हो गया है तो ये 11 पे यूजर नॉट फाउंड। अगर मैं सर्वर बंद कर देता हूँ, अगर मैं सर्वर बंद कर देता हूँ और अब मैं डिलीटेड कॉल कर रहा हूँ 10 पे, इसने कहा यूजर नॉट डिलीटेड। अब अगर मैं सर्वर चला लेता हूं, वापस से रन कर देता हूं, तो इसने डिलीट नहीं किया होगा। वापस चलता हूं यहां गेट वाले पे, और इस बार मैं 10 को फेच करता हूं, तो 10 पे हमें यूजर मिल गया, क्योंकि वो डिलीट नहीं हुआ था, उस टाइम पे सर्वर बंद हो गया था। ऐसे बहुत से सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये हमने फाइनली app.js से यूजर वाले सारे राउट को राउट पे भेजा, राउट से रजिस्टर गेट अपडेट डिलीट अलग अलग सब राउट्स पर उनको रिडायरेक्ट किया, और उनके करेस्पॉन्डिंग कंट्रोलर के फंक्शंस को कॉल किया। कंट्रोलर पे उन फंक्शंस के अंदर, रजिस्टर के अंदर हमने क्या किया कि हमने मॉडल को कॉल किया है, और उस मॉडल पे जा करके हमने मॉडल के इंसर्ट फंक्शन पर गए, यहाँ हमने एक क्वेरी तैयार करी,
प्लेस होल्डर पास किए थे, उस क्वेरी में डेटा भेजा, उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक डेटाबेस की फाइल बनाई हुई थी जहां कि हमने MySQL 2 यूज किया हुआ है क्योंकि हम MySQL यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पूल क्रिएट किया है कनेक्शन का, होस्ट हमारा लोकल होस्ट था, डेटाबेस हमारा वर्कशॉप था, यूजर हमारा रूट था, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं था। यहाँ आप यूजर रैम पासवर्ड डेटाबेस ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ये हमें पूरा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये प्रॉमिस यहाँ से हमें रिटर्न कर रहा था, इसी वजह से हम इसका वहां वेट कर पा रहे हैं। मॉडल पे जो ये हम अवेट लगा सकते हैं वो प्रॉमिस है आगे, ठीक। ये एग्जीक्यूट होगा, डेटा हमारा इंसर्ट करेगा उस डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमारा डेटा इंसर्ट करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा। रिजल्ट के अंदर से हमने इंसर्टेड आईडी उठा लिया, हमें वही चाहिए थी। उसके अलावा हमने ट्राई कैच लगा रखा है किसी भी ऐसे केस के लिए लाइक सर्वर शटडाउन हो गया, जो हमने करके देखा है सर्वर शटडाउन हो गया तो क्या होगा। तो हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा, जब सर्वर वापस स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा कोड चलने लगेगा। गेट के लिए हमने सेलेक्ट क्वेरी लिखा है, अपडेट के लिए अपडेट क्वेरी लिखा है। यहाँ हमने सिर्फ पासवर्ड चेंज किया, आप सारी फील्ड चेंज कर सकते हैं अलग अलग भी और एक में भी। उसके अलावा हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी चला करके देख लिया है, ठीक। तो इतने तक उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत